100 सीसी 110 सीसी पे करना आसान नहीं है। जहाँ पर आपको पावर की ज़रूरत होती है ना, जैसे ये पासेस हैं, हाई माउंटेन पासेस, वहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ थोड़ा सा दिक्कत देती है। और वाइजर खोल रहा हूँ तो स्नो घुस रही है अंदर, हे भगवान। सो गाइस, फाइनली हम पहुँच चुके हैं चांगला बाबा। और ये जो माउंटेन पास है, इसकी हाइट है, एक मिनट में आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा भूल गया हूँ मैं। सो यार, देखो लद्दाख में ठंड ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो कितने सारे कंबल लेकर हम सोए थे, और अंकित भाई उधर सो रहे हैं अभी भी, और सुबह के बज चुके हैं, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 6:17। जी हाँ, 6:01, फोकस ले ले, जी हाँ 6:17। एक्चुअली यार, अंकित भाई ने काफ़ी काम किया था तो वो अभी तक सो रहे हैं, और मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गया और थोड़ा डाटा ट्रांसफ़र वगैरह कर रहा हूँ, हो सका तो व्लॉग भी एडिट करूँगा। बाकी ठंड बहुत थी रात को, मज़ा बहुत आया सोने में, क्योंकि बहुत सारे कंबल हम ऑलरेडी ले चुके थे और कोजी कोजी सा बेड हो गया था। इस खिड़की से नज़ारा दूसरा है, मौसम बिल्कुल क्लियर है, और सामने वाली खिड़की अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक मिनट वेट थोड़ा सा, ये देखिए ये पेंगोंग लेक दिख रही है और ऊपर मौसम ख़राब है, और इधर का नज़ारा सी, एक मिनट, और इस खिड़की का नज़ारा देखो बिल्कुल क्लियर है, मतलब दो खिड़की से अलग अलग मौसम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी क्यूटी पाई है और ये बहुत देर से इधर उधर घूम रही है, तो काफ़ी देर से मैं इसके साथ खेल रहा हूँ, अब तो मज़ा आ रहा है। छोटी सी क्यूटी सी, एक मिनट, आ जा इधर, आ हेलो हेलो, भाग रही है, लो चल कंधे पे चढ़ जा, कंधे पे चढ़ गई, देखो देखो यहाँ से घूम के इधर से, ये देखो। तो हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो भी आ गया है, दीदी लेके आ गई है, और इनके दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्यूट से बच्चे हैं ना, क्या नाम है उनका? कुंगा और डिस्किट। कुंगा डिस्किट और डिस्किट, डिस्किट एक जगह का नाम है, कल भी मैंने बोला था, है ना? तो कैसे रखा आपने ये नाम? लामा ने हाँ। ओके, तो लामा जी ने नाम रखा हाँ। है डिस्किट, और डिस्किट गोम्पा भी है वहाँ पे हाँ। तो उसी के नाम से रख दिया हुआ है ना। सो गाइज, आज मैं आपके साथ एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता ही है कि यार, मैं इतना सारा ट्रैवल करता हूँ, जगह जगह घूमता रहता हूँ और आपको नए नए प्लेसेस दिखाता रहता हूँ, तो इन सब चीज़ों में पैसा तो लगता ही है। जी हाँ, विदाउट पैसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और आजकल के मार्केट सीन में और पेट्रोल के बढ़ते दामों में अपनी जो हॉबी है और पैशन है उसको सस्टेन करना इतना आसान नहीं है, और आजकल सब अपना फ्यूचर सिक्योर करने में लगे हुए हैं, और करना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शंस इतने सारे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है और कहां पर इन्वेस्ट आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया तो ऑब्वियसली सी बात है कि आपका लॉस हो सकता है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं सही जगह, तो आप इन्वेस्ट करिए क्रिप्टो करेंसीज में। सो राइट नाउ क्रिप्टो करेंसीज फ्यूचर ऑफ मनी है, RBI भी अपनी जो क्रिप्टो करेंसीज है वो लेकर आने वाली है, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसीज में तो बेस्ट ऐप है कॉइनस्विच कुबेर ऐप, जो कि फास्ट एंड ईजी है। मिनिमम 100 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, विड्रॉ भी आप कहीं से भी कर सकते हैं, उसके अलावा 24/7 आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। UI बहुत सिंपल है, जैसे कि आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं। तो भाई साहब, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फटाफट जाकर लिंक को क्लिक करो, डाउनलोड करो और इन्वेस्ट करो, और साथ ही साथ आपको मिलेंगे 50 रुपीज के बिटकॉइन एब्सोल्युटली फ्री। किधर गया है भाई? कहाँ है? कहाँ है? हैं कहाँ है? वहाँ पे है, बुला के ला, जा जा बुला के ला, आ जा लेके आएगा, लेके आते हैं उसके एक दो शॉट लेंगे हम। तो ये है छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा क्यूट सा डिस्किट, एक बार स्माइल करियो। हेलो हेलो, ये क्या बात है।
सो गाइस फाइनली इस ब्यूटीफुल विलेज मेराक को छोड़ने का टाइम आ चुका है। गाड़ियां हो चुकी है लोड, मैंने भी लोड कर दिया, अंकित भाई ने भी लोड कर दी है और बहुत मजा आया इस होम स्टे पर। दो बार आ चुका हूं और तीसरी बार जरूर आऊंगा। और इस छोटे से बच्चे यानी कि छोटे से क्यूटी पाई के साथ हमने बहुत मजे किए है ना, और दीदी ने हमारा बहुत ख्याल रखा। और जो सनम जी हैं यहाँ के ओनर हैं वो अभी चुशुल गए हुए हैं, तो कुछ काम से गए हुए हैं बेसिकली, तो उनसे हम मिल नहीं पाए जिसके अंदर है। अब हम करते हैं बाय बाय दीदी को भी और इस छोटू को भी। चलो जी इस पे बाय बाय कर दो, बाय बाय करो, बाय बाय। तो टाइम हो चुका है 10:11, अब निकलते हैं। आओ ओ भाई साहब, अभी गिरती गिरती बची। हाँ क्या सही लग रहा है यार, क्या सही लग रहा है। उधर देखो लेक का कलर इस टाइम बिल्कुल नीला है, बिल्कुल नीला, बादल छाए हुए हैं। हमने आज की जो राइड है वो कर दी है स्टार्ट लेह तक के लिए, और जो डिस्टेंस है वो करीबन है 200 किलोमीटर के आसपास। कल हमने यहाँ पर बहुत सही फोटोग्राफी करी थी और उस फोटोग्राफी के जो फोटोज़ और रील्स वगैरह हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इंस्टाग्राम पर। तो इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो ज़रूर करना दोस्तों, वहाँ पर लाइव अपडेट्स मैं डाल रहा हूँ जब जब पॉसिबल है। लिंक और हैंडल आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आज हम लेंगे नया वाला रास्ता। एक्चुअली कल जब हम आए थे तो पुराने वाले रास्ते से आए थे पूरा ऑफ रोड करके, तो वो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग और एपिक जर्नी थी कल की। वही मैं पूछ रहा हूँ। ये नया वाला जो रास्ता है वो कहाँ से है, ऊपर वाला रास्ता कहाँ से जॉइंट होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, कितनी दूर है, कितनी दूर है? थोड़ा सा, ओके थैंक यू। आगे आगे चल, थोड़ा सा दूर आगे से है, ऊपर चढ़ना है, चल। क्या नज़ारा है यार, क्या नज़ारा है पेंगोंग लेक का। इस टाइम देखो पेंगोंग लेक कितनी नीली नज़र आ रही है, इतनी गाढ़ी नीली पेंगोंग लेक मैंने कभी नहीं देखी। और जैसा कि कल वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि भाई पेंगोंग लेक पूरे दिन में बहुत सारे कलर्स चेंज करती है, अगर आपको कलर्स देखने हो तो पूरा दिन आपको पेंगोंग लेक के साथ बैठना पड़ेगा। यहीं कहीं से रास्ता है शायद जो ऊपर जाता है। कुछ गाड़ी वाले आए हुए हैं यहाँ पर और पेंगोंग लेक पर गाड़ी लेके गए हैं, फ़ोटोज़ वगैरह खींचेंगे। इसी रोड से नीचे आए हैं जिसे हमें अभी ऊपर जाना है। पूरा रेत रेत पड़ा यहाँ, आराम से आराम से आराम से। तो पक्का रोड जस्ट आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गए जी पक्के रोड पे, वाह क्या बात है। तो यहाँ तक थोड़ी सी ऑफरोडिंग करनी पड़ी हमें और अब आ चुका है ब्लैक टार रोड जो कि सीधा लुकुंग वगैरह लेके जाएगा, लेकिन बीच में भी थोड़ा सा ऑफ रोड पैच है। जन्नत है यार, जन्नत है ये जगह, और यहाँ पर मोटरसाइकिलिंग करना एक अलग ही अनुभव है। मेरा तो मन नहीं कर रहा है कि तेज़ चलाऊं, लेकिन जाना दूर है तो चलिए बढ़ाते हैं अपनी रफ्तार को। ये पहुंच गए हम स्पैंगमिक विलेज, यहाँ पर ज़्यादातर जो होम स्टेज हैं वो बंद है, कुछ एक खुले हुए हैं। हम यहाँ पर रुके नहीं थे, सीधा आगे निकल गए थे जिस दिन ये हमने क्रॉस किया था। इसी रूट से हम आए थे लेकिन हमने नीचे वाला रास्ता लिया था लेक पर जाते हुए, ना मेराक जाते हुए एक्चुअली। आहा, बहुत ही रोड़े पड़े हुए हैं, बड़े बड़े।
निकल गए निकल गए। सो गाइस ये आ गया लुकुंग, जहाँ पर कि मेन स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट है, और यहीं पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो रुक जाते हैं। एक मिनट, यहाँ से रास्ता जाता है अगर आप ऊपर से आ रहे हैं तो। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, एक सेकंड। तो यहीं से रास्ता नीचे जाता है, वैसे आप आगे से भी आ सकते हैं। तो कुछ कैंप्स वगैरह यहाँ पर भी हैं, और वो देखिए स्कूटर्स वगैरह लगे हुए हैं। जब हम यहाँ से गए थे तो नीचे से एक बार होके गए थे, फिर वापसी यहाँ से उल्टा आए, फिर आगे गए थे। मेन स्पॉट यही है, ज़्यादातर जो लोग हैं यहीं से वापसी होके चले जाते हैं, लेकिन हमने आपको दिखाया कुछ डिफरेंट। जी हाँ बिल्कुल, लेक के साथ साथ गए और मिराक विलेज तक लेके गए, जो कि एक बोल सकते हैं आप बॉर्डर विलेज है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे आज के डेस्टिनेशन लेह के लिए। सामने का जो पहाड़ है उस पर देखिए कैसे बर्फ़ चांदी की तरह चमक रही है, ऊपर से जो कॉटन क्लाउड्स हैं वो नज़र आ रहे हैं, नीला आसमान है, क्या शानदार नज़ारा है। और इस नज़ारे को देखकर एक गाना और मुझे याद आया, बर्फ़ को देखकर चांदी जैसी, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। क्या बात है। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं सोटाक, ये रही लेफ्ट हैंड साइड पर जो आप लेक देख रहे हैं, ये है सोटाक, TSOTAK जिसे बोलते हैं। एक रेस्टोरेंट भी यहाँ पर खुला हुआ है। मैंने पीछे देखा था इनको, भाई साहब कितने सीसी है ये, 110 सीसी, 110 सीसी लेके पूरा लद्दाख टूर कर रहे हैं, और वो 110 स्प्लेंडर, ये देखो भाई साहब, सी 110 सीसी से लद्दाख करने के लिए भाइ जज्बा चाहिए, जज्बा, पैशन, एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर। यस आप आ गए हमारे ब्लॉग में, थैंक यू। मैं पालम कॉलोनी का हूँ। पालम कॉलोनी, अरे वाह क्या बात है, पास में रहते हम। मेरा सालों से सपना था कि मैं अपनी स्प्लेंडर पे लद्दाख जाऊं, और फाइनली इस बार ये मेरा। थोड़ा सा इधर कर लो रोड से, सीरियसली 100 सीसी 110 सीसी पे करना आसान नहीं है। जहाँ पर आपको पावर की ज़रूरत होती है ना, जैसे ये पासेस हैं, हाई माउंटेन पासेस, वहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ थोड़ा सा दिक्कत देती है, करती हैं बिल्कुल, क्योंकि हाफ जाती है थोड़ा सा। अब हम क्या है, हमारी थोड़ी सी बड़ी गाड़ी है, 400 सीसी 200 सीसी 250 सीसी तो आराम से निकल जाती है, लेकिन 100 सीसी 110 सीसी और स्कूटर वालों को हैट्स ऑफ है, क्योंकि पेशेंस चाहिए, स्टैमिना चाहिए, कई बार तो धक्का भी लगाना पड़ जाता है, पड़ जाता है। एयर फिल्टर निकाला कहीं? नहीं, ऐसे ही, बढ़िया बढ़िया अभी तक। चलो जी मज़ा आया यार मिलके, ये एक स्टोरीज है जो कि लाइफ टाइम। चैनल का नाम क्या है मेरा? एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर। चलो अच्छा लगा जी मिलके, मैंने वहाँ पे देखा था पीछे जब मैं निकला ना, मैंने देखा यार पैशन प्रो या स्प्लेंडर ही लग रही है मुझे, अच्छा लगा, अच्छा लगा। चलो जी ओके, ऑल द बेस्ट। एंड सर मैंने सब्सक्राइबर भी आपका। ओ ग्रेट। अभी मैंने आपकी लेटेस्ट वीडियो वगैरह सब देखी थी, केदारनाथ वगैरह की। केदारनाथ की देखी थी? हाँ देखी थी। ओके, आप काम कराने गए थे आपने कहा, तो मैं नया ट्रिप प्लान कर रहा हूँ, तो शायद यही था वो ट्रिप। हाँ हाँ, तो आपसे मेरे को बहुत खुशी हुई। चलो मुझे भी अच्छा लगा भाई मिलके, और ऑल द बेस्ट, और हैट्स ऑफ टू यू। ऐसी छोटी बाइक पर करना सीरियसली आसान नहीं है, बस मैं भी कभी करूंगा। सर ये एक चैलेंज लिया था मैंने। अच्छा चैलेंज लिया था। सब कहते थे कि नहीं तुम नहीं ले जा सकते, ये अंदर का सर मैं लेके जाऊंगा। बिल्कुल विल पावर होनी चाहिए, आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल सर, मैं इसे केदारनाथ बद्रीनाथ पता नहीं बहुत जगह लेके गया हूँ, तो मैंने कहा लद्दाख कई जगह इजी भी रहता होगा इससे। बिल्कुल, क्योंकि ऑफ रोडिंग में आसानी से संभाल सकते हैं, हल्की बाइक होती है तो आसानी थोड़ी कई जगह कम भी आती है। बिल्कुल सर, मैं आपका ये व्लॉग जरूर देखूंगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, चलो डन चलते हैं। ओके जी मिलते हैं रोड पर ही, या फिर पालम। हाँ जी आप जनकपुरी ना? हाँ हाँ मैं जनकपुरी। ओके बाय। ओके सर बाय। तो ये हैं स्टोरीज भाई, 100 सीसी एंड 110 सीसी।
सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं चांगला बाबा। और ये जो माउंटेन पास है इसकी हाइट है, एक मिनट में आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा भूल गया हूँ मैं, ये है 17,688 फीट पर। और ये थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पास है वर्ल्ड में। एक्चुअली बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। जर्नी आज की अच्छी चल रही है, मज़ा आ रहा है। मेराक से शुरू किया था और टाइम हो चुका है, एक बार आप टाइम बताएंगे? बॉस आपका पता नहीं मुझे टाइम का तो इस टाइम, लेकिन मैंने आपको यूट्यूब पर वगैरह पे कई बार देखा है, है ना? नाइस। तो देखो गाड़ी से उतर के मेरे को जस्ट आगे कि यूट्यूब पे देखा है आपको, मैं देखता रहता ना तो इसलिए मैंने एकदम ध्यान दिया, तो एकदम मेरे ध्यान है। अच्छा लगा मिलके। कब डलेगा ये? ये आएगा ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आएगा, ठीक है ना? ओके। चांगला पे मुलाकात हुई, कहाँ से आप? हम दिल्ली से। अरे वाह, दिल्ली वाले ही यार हम भी। हाँ, मैं देखता रहता हूँ ना। चलो ग्रेट। ओके ओके जी, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। तो चलिए यार, एक्चुअली यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी थिन है, बहुत कम ऑक्सीजन है, इस वजह से थोड़ी सी सांस फूल रही है। बाकी अभी चलते हैं कैफेटेरिया, वहाँ पर कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, थोड़ी सी एनर्जी अपनी बढ़ाते हैं और फिर चांगला से नीचे उतरेंगे। बाकी चांगला बाबा को एक बार और नमस्कार, जय हो चांगला बाबा की। लेवल कम है यहाँ पर। अंदर ठीक है यार, अंदर ठीक है। वेलकम। अच्छी ये आ गई अपनी गर्म गर्म कॉफ़ी, भाई साहब इसकी सख्त ज़रूरत थी। देखो कैसे धुआं उठ रहा है इसमें से, मज़ा आ गया भाई हाथ में पकड़ते। देखो 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 देखो, ये है जलवा चांगला का। जय चांगला बाबा। अब तो खैर नीचे नीचे उतरना है, लेकिन एक बार नीचे उतर जाए तभी शांति होगी, क्योंकि चांगला सबसे वॉलेटाइल होता है अगर पासिस में देखा जाए तो। मौसम बहुत जल्दी चेंज होता है यहाँ पर। क्या हुआ, क्या हुआ? सी स्नोफॉल कैसे हो रहा है? ओहो हो, भाई साहब सही सही, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, ये गोरे गाला टंडाना, ये रश्मि वाला टंडाना, हम तेरे तेरे। भाई साहब स्नोफॉल तेज हो गया और पानी भी तेज हो गया, ये देखो। ओहो एक तो दिखाई नहीं दे रहा, वाइजर में फॉग आ रहा है बार बार, और वाइजर खोल रहा हूँ तो स्नो घुस रही है अंदर। हे भगवान, सुनोगे भाई, हाथ सुनोगे, पूरे सुनोगे, ठंडे हो गए। अरे यार अपने पास तो हीटेड ग्रिप्स है, भूल गया यार, शिट मैन, अब ध्यान आया है इतना ठंड में चलाने के बाद, अब याद आया कि भाई अपने पास हीटेड ग्रिप्स है। थे तरीकी गाइस, जस्ट शक्ति विलेज से जब आप नीचे आओगे तो आपको एक मोनेस्ट्री नज़र आएगी, ये वाली। तो हर बार मैं यहाँ पर रुकता हूँ और हर बार सोचता था कि यार एक ड्रोन शॉट ज़रूर लूँगा, तो आज मैंने ले लिया। तो आप ड्रोन शॉट देखो यार, आपको अच्छा लगेगा। Thank you.
लो जी हम पहुंच गए हैं खारू। वैसे पुलिस पोस्ट पर लिखा हुआ था खारू है कारू। तो यहाँ पर यार भूख लग रही है भाई मुझे, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ खाएंगे और थोड़ा सा नेट आ जाएगा। तो खारू ही है यार, खारू लिखा हुआ है, पहले तो कारू लिखा हुआ था। चलो कोई नहीं, ढाबा कोई खुला है कि नहीं खुला है ये देखना पड़ेगा। ये वाला 100% वेज, ओके कुछ तो मिलेगा, चलेगा, कुछ मिलेगा भैया। कुछ क्या मिलेगा, खाने को कुछ मिलेगा? सर। क्या मिलेगा? दाल चावल रोटी। और कुछ है? शाही पनीर, शाही पनीर। ओके पराठे मिल जाएंगे? ओके जी बढ़िया, बहुत सारी चीज़ें। हाँ जी सब चीज़ मिल जाएगी। सो कारू में किया हमने लंच और उसके बाद प्लान में हो गया बिल्कुल चेंज। और ये अंकित भाई बताएंगे क्यों चेंज हुआ। आइए आइए ये बताइए कि चेंज कैसे हुआ। यार सडन चेंज हो गया, क्या प्लान था, हमने कहा अभी ढाबे पे खाना खा रहे थे, ले जाने का पूरा पूरा प्लान था, एंड मोमेंट में बस कारू में इनकी एक दीदी है, एक दीदी है तो बस उनको हेलो हाय करने के लिए डीजी भाई तो उल्टा बाहर खड़े थे गेट के कि चल ये मिल के आ जाएगा, तो दीदी ने यहाँ से जाने नहीं दिया। तो मैंने कहा डीजी भाई चलो आज आपको एक बेस्ट लोकेशन दिखाता हूँ कारू के अंदर। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर कॉटेजेस वगैरह बने हुए हैं और सबसे अच्छी बात इन कॉटेजेस के सामने से ही जो व्यू दिखाई देता है ना भाई साहब इंडस का, वो ये देखिए यहाँ के ड्रोन शॉट्स और टाइम लैप्सेस अमेजिंग आएंगे आने वाले दिनों में, या फिर कल हम अगर कुछ करते हैं यहाँ पर रुकते हैं और एक दिन और तो आपको देखने को मिलेंगे। बाकी अभी कोई भी प्लान नहीं है कि कल हम कहाँ जाने वाले हैं, देखते हैं जो भी होगा आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो आई थिंक कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं एंड, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ इन खूबसूरत वादियों से, बाय बाय, सायोनारा। अंकित भाई बाय बाय, सायोनारा, सॉरी सायोनारा। Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando vuela reggaeton pa' mí, que muñeca. Me gusta salir y se lo siento.